तो दोस्तों लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके खुद के विचार हैं, तो अपने विचारों को बढ़ाते रहो और अपने आप को आगे काम करने के लिए मोटिवेट करते रहो। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है September 21st, 2018 और डे है फ्राइडे। और आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए हैं दो सवाल। पहला सवाल है, अंकोर वट विष्णु टेम्पल कौन सी जगह पे लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस है ए जावा, बी सुमात्रा, सी कंबोडिया या डी चंपा। अपने अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। दूसरा जो सवाल है वो है, बोरोबुदूर स्तूपा कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? ऑप्शंस हैं ए कंबोडिया, बी जावा, सी सुमात्रा या डी बोनी। तो यहाँ पे जो अपने अपने आंसर्स हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। चलो तो सबसे पहले बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का, क्योंकि शायद वो जो आर्टिकल है द हिंदू ने मिस कर दिया है। हेडलाइन है, आफ्टर 30 मंथ्स रेट्स अप ऑन स्मॉल सेविंग। तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। याद रखना 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1%, मतलब 1% इक्वल्स होता है 100 बेसिस पॉइंट के। इसके हिसाब से 40 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.4%। तो 0.4% से जो इंटरेस्ट रेट दिए जाते थे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर उनको बढ़ा दिया गया है। ये पिछले 30 महीनों में पहली बारी बढ़ा है, और ये जो करंट क्वार्टर आने वाला है थर्ड क्वार्टर यहाँ पे अक्टूबर टू दिसंबर 2018 वाला, उसमें जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर उनको 0.4% का फायदा देखने को मिलेगा। देखो इससे पहले अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट भी बढ़ाया था, और यहाँ पे सब्सिक्वेंट इंक्रीज भी करता जा रहा था डिपॉजिट रेट्स के अंदर। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो दी हाइक की हाइक कितनी हुई है। देखो सेविंग डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है जुलाई टू सितंबर 2018 वाले क्वार्टर का और अक्टूबर टू दिसंबर 2018 वाले क्वार्टर का जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। तो सेविंग डिपॉजिट आप देखोगे 4% और 4% सेम है। आप वन ईयर टाइम डिपॉजिट देखोगे वो पहले 6.6% था उनका इंटरेस्ट रेट, अब 6.9% हो गया है। तो वही जो मैंने बताया 0.4% से यहाँ पे बढ़ गए हैं। सिमिलरली 5 ईयर टाइम डिपॉजिट जो होते हैं वो 7.4% से 7.8% हो गए हैं। 5 ईयर सीनियर सिटीजन्स जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको 8.3% से 8.7% बढ़ा दिया गया है। साथ ही 5 ईयर जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके अंदर 7.6% से 8% कर दिया गया है। साथ ही जो PPF होते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड होते हैं उसमें भी 7.6% था, अब उसे 8% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र में 7.3% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, उसको बढ़ा के 7.7% कर दिया गया है। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ उन्हें 8.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, पर अब अक्टूबर टू दिसंबर 2018 वाले क्वार्टर के अंदर 8.5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जो रेपो रेट है उसे पहले 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया इन द लास्ट 2 रिवीजन साइकल्स, और यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट से स्मॉल सेविंग्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे अभी भी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं अभी भी इन्फ्लेशन के हिसाब से जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़े हैं इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो बैलेंसिंग सिचुएशन है वो हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है, बट फिर भी यहाँ जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं वो फिर भी सिक्योर स्कीम्स होती हैं, इसलिए लोग इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो बस ये एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का। तो वापस आ जाओ द हिंदू पे, और यहाँ पे पहली हेडलाइन मिलती है, सुषमा टू मीट पाकिस्तान्स फॉरेन मिनिस्टर इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है 26 और 27 सितंबर 2018 को। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो सार्क देश हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा और यहाँ पे पीस टॉक की बात करी। यहाँ पे बात की गई कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों देशों के उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। अब इंडिया ने भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर
सो शाह महमूद कुरैशी से बातचीत करने वाली हैं उन्हीं पीरियड के दौरान जब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा होगा। ये एक बायलेटरल टॉक की तरह होगी, इसे एक पीस टॉक के नज़रिए से देखा जा रहा है। पर इंडिया ने साफ यहाँ पे बात क्लियर कर दी है कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं की जाएगी, ये बस एक शुरुआती बातचीत के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान एक और मुद्दे को लेकर आएगा, वो ये है पाकिस्तान चाहता है कि जो सार्क समिट हो वो इस्लामाबाद के अंदर हो और इंडिया उसके लिए रिलक्टेंट है, इंडिया वहाँ पे जाने से इनकार कर रहा है। उसके यहाँ पे रिस्पेक्ट में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो पोजीशन है सार्क की समिट को लेकर वो बहुत ही क्लियर है और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर सार्क की मीटिंग हो। इसके साथ साथ अगर हम इस पीस टॉक की बात करें तो जो पीस टॉक है इससे पहले इमरान खान के जो प्रीडिसेसर थे नवाज शरीफ जी उन्होंने भी स्टार्ट करी थी, उन्होंने बोला था कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग, पर उस डायलॉग को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था आफ्टर जनवरी 2016 टेरर अटैक एट पठानकोट एयरबेस। तो जब पठानकोट के ऊपर टेरर अटैक हुआ था उसके बाद सारी की सारी बातचीत इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रद्द कर दी गई थी। अब देखते हैं जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होता है तो क्या क्या नई नई चीज़ें सामने आती हैं। तो इसी के नीचे आपको खबर मिलती है वैरसिटीज टू ऑब्जर्व सर्जिकल स्ट्राइक डे ऑन सेप्टेम्बर 29। तो सेप्टेम्बर 29, 2016 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के जो टेरर बेस थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उस दिन को सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में मनाया जाएगा। अब उसी के अंदर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC है उसने देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर को यहाँ पे लेटर लिखा है, उनको बोला है कि आप लोग सितंबर 29 को सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में सेलिब्रेट करो। इसके साथ साथ जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर नेशनल कैडेट कॉर्प है वो लोग परेड का भी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे सितंबर 29 को। इसके साथ जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो प्लेज लेंगे इंडियन आर्मी की सपोर्ट में। इसके साथ साथ वो लोग कुछ लेटर्स लिखेंगे, कार्ड भी लिखेंगे जिनको नियरेस्ट कंटोनमेंट एरिया में पहुँचाया जाएगा, जिससे जो इंडियन आर्मी है उनके लोग इन्हें पढ़ के और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे, जो देश के बच्चे हैं वो उनके साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिसएग्री भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए लेना देना नहीं है कि कौन यहाँ पे क्या ओपिनियन रख रहा है। इसी के साथ एक और आपको न्यूज़ मिलती है प्ली हाइलाइट्स प्लाइट ऑफ डिटेनीज। तो बेसिकली असम के अंदर हैं 6 डिटेंशन सेंटर्स। अब ये डिटेंशन सेंटर्स होते हैं या क्यों बनाए जाते हैं, बेसिकली उन लोगों को यहाँ पे रखा जाता है जो लोग अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने में असफल रहते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे डिक्लेयर्ड फॉरनर्स भी बोला जाता है, जिनको फॉरनर्स के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है, बेसिकली अब वहाँ पे क्या होता है अगर कोई 6 साल से छोटा बच्चा है उसे उसके माँ बाप के साथ ही रखा जाता है डिटेंशन सेंटर के अंदर, पर अगर कोई बच्चा 6 साल से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, उसके थोड़े सिटीजनशिप के क्राइटेरिया भी अलग हो जाते हैं, तो उसको माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। तो उसके ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े करे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट से यहाँ पे रिप्लाई मांगा है कि उन बच्चों का क्या, उन फैमिलीज़ का क्या जो कि आपस में अलग अलग हो गए हैं, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर है वो अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं, उनके लिए आपके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या आपके डिसीजन हैं। इसके साथ साथ कंपेयर टू दी सिचुएशन ऑफ दिस फैमिली, इन फैमिलीज की सिचुएशन को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, फैमिली सेपरेशन पॉलिसी इम्पोज ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स ग्रांट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे फैमिली सेपरेशन पॉलिसी लेकर आए थे जिससे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो भी अपनी फैमिली से अलग हो गए थे, उसके साथ यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर के अंदर जिस तरीके से फैमिलीज को अलग अलग किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहना है कि जो इंडियन जुवेनाइल जस्टिस लॉज हैं उनको भी उन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो फॉरनर्स के बच्चे ही क्यों ना हो, मतलब डिक्लेयर्ड फॉरनर्स के बच्चे ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आर्टिकल था, तो आर्टिकल है फॉरगॉटन स्विच लीड्स टू ऑन फ्लाइट स्कार। तो बेसिकली हुआ क्या, तो आर्टिकल है फॉरगॉटन स्विच लीड्स टू ऑन फ्लाइट स्कार। तो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली
जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर NW697 के अंदर जो प्रेशर होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गया। उसकी वजह से वहाँ जो पैसेंजर्स थे उनको तकलीफ होने लगी, नोज ब्लीडिंग होने लगी, ईयर पेन होने लगे, कुछ के चेस्ट पेन होने लगे। इस वजह से जो फ्लाइट है उसे वापस बुला लिया गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन की मात्रा थी उस फ्लाइट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। अब बेसिकली ये चीज़ क्यों हुई, यहाँ पे कैबिन क्रू की गलती बताई जा रही है। यहाँ पे एक स्विच होता है जिसको ब्लीड स्विच के नाम से जानते हैं। जब फ्लाइट यहाँ पे टेक ऑफ करती है उसके बाद इस ब्लीड स्विच को ऑन कर दिया जाता है, जिसकी मदद से जो एयर होती है इंजन की वो धीरे धीरे कैबिन के अंदर आ जाती है और जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसे कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी ब्लीड स्विच की मदद से ही प्रोवाइड की जाती है। पर यहाँ पे ब्लीड स्विच को ऑफ़ कर दिया जाता है जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जिससे जो इंजन की जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से फ्लाइट को उड़ाने में किया जा सके। और जैसे ही फ्लाइट एक हाइट तक पहुँचती है उस स्विच को फिर ऑन कर दिया जाता है। यहाँ पे जो कैबिन क्रू था वो स्विच को ऑन करना भूल गया, जिस वजह से सारी की सारी सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे हम कुछ बातचीत करेंगे कि जब हाइट पे जाते हैं तो क्या क्या ऑक्सीजन लेवल पे डिफरेंस आता है। देखो, आप भी कभी हिल स्टेशन पे विजिट करे होगे तो आपने देखा होगा, जैसे ही आप हाइट पे जाते हो तो आपको महसूस होने लगता है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जिस तरीके से आप हाइट पे जाते हो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है एयर के अंदर वो कम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर होती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है, थिन होने लगती है, और जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन थोड़ी सी डेंस यहाँ पे एज अ एयर है, थोड़ी सी यहाँ पे डेंस गैस है, तो इसीलिए वो लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में ही मिलती है। यहाँ पे पेज नंबर 11 पे एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे चार्ट दिया है, अस्लीप एट द स्विच। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। पहला यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज कैबिन प्रेशर एंड व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन इट। ये कैबिन प्रेशर क्या होता है जो यहाँ पे मेंटेन नहीं किया गया और इसका क्या क्या मतलब होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयरिक प्रेशर की, तो वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड के साथ। जिस तरीके से आप हाइट पे बढ़ते जाते हो आपको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे वेरी करता है हर एक जगह पे यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर यहाँ पे सी लेवल की बात की जाए तो वो 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पे मेज़र किया जाता है, और जिसके लिए यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एकस्टम हो गए हैं। हम लोग इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे जो यहाँ पे जो पूरा ब्रीथिंग सिस्टम है वो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से एकस्टम हो गया है। जैसे जैसे एयरप्लेन ऊपर जाता है जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो एयरप्लेन्स हैं वो हमारे 30,000 to 43,000 फीट के आसपास उड़ते हैं, उन दोनों की हाइट के बीच में उड़ते हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 4 PSI से भी कम हो जाता है। PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ओके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है, उसे मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की मदद से। तो जो इंजन का कमीशन इंजन है उसके अंदर से भी गैस यहाँ पे आती है एयरप्लेन के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इसीलिए जो केबिन प्रेशर है उसे मेंटेन किया जाता है इन सब चीज़ों की मदद से। अब हाउ इज केबिन प्रेशर मेंटेन्स, बेसिकली यहाँ पे प्रेशराइजिंग सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि एयर को पंप करता रहता है यहाँ पे केबिन के अंदर, जिसकी मदद से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो एयरप्लेन के अंदर मेंटेन किया जाता है, ओके। इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको देखना हो कि प्रेशर सिस्टम कैसे वर्क करता है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। ईस्टर्न पोर्शन ऑफ आर नेशन से रिलेट करता है और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तस्वीर आई है। एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि आप और मैं जिस जगह पर रहते हैं क्या वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग अवेयर हैं कि उनको कूड़ा किस जगह पर फेंकना है। क्या स्वच्छ भारत मिशन सही में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। पर इस इमेज को देखकर आपको समझ में आएगा कि कुछ जगह पर लोग कितने ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं अपनी जो जगह है उसको स्वच्छ बनाने का। तो बेसिकली ये पिक्चर है बार्मरजोंग विलेज की, जो कि पड़ता है वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, असम के अंदर। तो यहाँ पे कुछ कुछ दूर पे बैम्बू डस्टबिन्स लगाए गए हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो स्ट्राइव कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम अपनी विलेज को प्लास्टिक फ्री बना देंगे। यहाँ पे याद रखना, बैम्बू डस्टबिन्स कौन सी स्टेट और उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से विलेज से लोकेट कर रहे हैं। बैम्बू डिस्ट्रिक्ट्स आर इन बार्मरजोंग विलेज, वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इन असम। साथ ही ये जो बार्मरजोंग विलेज है ये असम की सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी है,
ओके, और इसको ओपन डेफिकेशन फ्री भी घोषित कर दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था जो कि मेघालय से लिंक करता था, वहाँ पे जो रूट ब्रिजेस होती हैं जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, उससे रिलेटेड एक यहाँ पे सवाल देखने को मिला था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एशिया की क्लीनेस्ट विलेज की, तो वो है मॉफलांगलोंग, जो कि मेघालय के अंदर ही पड़ती है। इस विलेज का भी नाम आप लोग याद रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ, सदर्न पोर्शन ऑफ अ नेशन से रिलेट करते हैं, और यहाँ पे आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत ही बड़ा एग्जांपल देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको ये भी समझना पड़ेगा किस तरीके से आपस में जो कल्चर हैं वो मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है, हेयर मुहर्रम इज़ अ पार्ट ऑफ आदिवासी इथोस। तो शॉर्ट में समझाता हूँ, यहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर है, बेसिकली यहाँ पे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना के अंदर पड़ता है, वो यहाँ पे ट्राइब्स हैं राजगोंड प्रधान, और जिसको अंध ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं, वो वहाँ पे जो आदिवासी फेस्टिवल होते हैं उसके अंदर मुहर्रम को भी सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे मुहर्रम को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम्स करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जो ट्राइबल इथोस हैं उनको भी मिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे उसी तरीके से जो हिंदूज हैं नॉर्थ तेलंगाना के, वो भी सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा कहना है इस आर्टिकल का। तो यहाँ पे जो रिलीजियस इनकॉर्पोरेशन हो गया है, दो रिलीजन आपस में मिल गए हैं और यहाँ पे इस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, वो बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि जो नॉन ट्राइबल कल्चर है उसका किस तरीके से मिक्सचर हुआ है ट्राइबल कल्चर के साथ। ओके, इसी के साथ आपको एक और न्यूज मिलती है, इंश्योरेंस फॉर ICSE स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे यहाँ पे बैंगलोर के स्कूल्स हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कोई भी एक्सीडेंट्स या अनफोर्सेस इवेंट्स होते हैं उनसे वो लोग बच सके, मतलब उनको इंश्योरेंस यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे इंश्योरेंस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने एक नोटिस इशू किया था, एक सर्कुलर इशू किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी स्कूल्स एफिलेटेड हैं CISCE काउंसिल से, वो लोग अपने स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेंगे। पर और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर है वो 1,00,000 रुपीज़ पर ईयर का दिया जा रहा है। एक तरीके जैसे पॉलिसीज होती हैं उसी तरीके से पॉलिसी वैल्यू है। पर यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करके जो स्कूल्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं झाड़ सकते। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी। इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ मिलती है, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ऑनर्स फॉर आंध्र प्रदेश साइंटिस्ट। तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, एक बायोस्पीलियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है शाबुद्दीन शेख, उनको यहाँ पे मिलने वाली है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप। और वो जो फेलोशिप है वो चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसल वॉल्स, अर्नेस्ट माइल जैसे बड़े बड़े लोगों को भी मिल चुकी है। यहाँ पे अभी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया जिसका जो था बायोस्पीलियोलॉजिस्ट। अब याद रखना, बायोस्पीलियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि केव बायोलॉजिस्ट होते हैं, केव के अंदर जाते हैं, गुफाओं के अंदर जाते हैं और गुफाओं में देखते हैं क्या क्या नई नई स्पीसीज़ हैं और स्पीसीज़ किस तरीके से वहाँ पे बिहेव कर रही हैं। देखो यहाँ पे जो केव्स होती हैं, आप खुद देखो वो कितने सालों से बनी आ रही हैं, वो कितनी अंधेरे में होती है, वहाँ पे जो क्रिएचर्स होते हैं उनको ढूंढने में कितनी तकलीफ़ होती है। पर यहाँ पे ये बताया गया रहा है कि कई मिलियन सालों से वो केव्स बनी हुई हैं, कई मिलियन सालों से वो क्रिएचर्स वहाँ पे रह रहे हैं। अगर उन क्रिएचर्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी जान सकते हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स हुए हमारे अर्थ के ऊपर, उनके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। बात करते हैं बायोस्पीलियोलॉजिस्ट शाबुद्दीन शेख के बारे में, इन्होंने 40 न्यू केव फौना स्पीसीज को भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, जिनमें से जो 5 स्पीसीज हैं वो तो बिल्कुल ही नए जॉनर की हैं। इसके साथ साथ एक माइक्रोक्रस्टेशियन है जिसको इन्होंने डिस्कवर किया था। माइक्रोक्रस्टेशियन मतलब ये वाटर एनिमल्स होते हैं जिनके जो शेल्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और यहाँ पे उसका जो नेम है वो भी इन्हीं के नेम पे रखा गया है, जो नाम है आंध्रा कोइडेस शाबाबुद्दीन। ओके, तो नेम याद रखना, शाबाबुद्दीन शेख बायोस्पीलियोलॉजिस्ट हैं जिनको यहाँ पे जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन फेलोशिप देने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 7। यहाँ पे आपको सबसे पहले इन ब्रीफ में खबर मिलती है, अ डजन ऑफ लायंस डाई इन गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट जो कि यहाँ पे गुजरात के अंदर है, वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लायन मरे हुए हम लोगों को मिले हैं और वो फूड पॉइजनिंग की वजह से मरे हैं। और बहुत सारी और सिचुएशन हैं जो कि हो सकती हैं, पर याद रखना जो गिर फॉरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ही एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं और आपको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। इसके साथ आपको आज की बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिलती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री लॉन्च विद 4.4 लाख एंट्रीज। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे देश में अपने आप में पहली बारी इस तरीके की ये चीज़ हुई है जिसका नाम है, बन गई है नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री, जिसको कल लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 4.4 लाख पीपल का यहाँ पे नेम है जिनको कन्विक्ट किया गया था एक या किसी और सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर। यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया है 2005 के बाद। यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंस देखें, यहाँ पे किसी को रेप के चार्ज हैं, किसी के ऊपर गैंग रेप के चार्ज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को के अंदर यहाँ पे कोई केस चल रहा है या इफ टीजिंग का कोई केस चल रहा है 2005 के बाद, उन लोगों के नाम इस रजिस्ट्री के अंदर लगाए गए हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया 9th कंट्री बन गई है, 9वीं ऐसी कंट्री बन गई है पूरी की पूरी दुनिया में जिसके पास अपना एक नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स होने वाला है। याद रखना इसको सिर्फ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वही असेस कर सकती हैं कि इनके अंदर किन किन लोगों के नाम है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वही असेस कर सकती हैं और उनसे इनकी मदद होगी इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग के लिए। यहाँ पे आपको एक और चार्ट मिलता है जो कि चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। पहला यहाँ पे सवाल का जवाब दिया गया है, हु विल मेंटेन द डेटाबेस। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने जो सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री बना दी है उसके डेटाबेस को कौन यहाँ पे मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, याद रखना। और यहाँ पे इसको जनरल पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं जैसे पुलिस हुई हमारी, सीबीआई हुई, वही लोग यहाँ पे इसे असेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सी और कंट्रीज़ में सिमिलर टाइप ऑफ डेटाबेस हैं, वो हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ट्रिनिडी एंड टोबागो। इसके साथ साथ ये जो डिटेल्स हैं उनको क्या क्या डिटेल्स इस रजिस्ट्री के अंदर स्टोर की गई हैं, डिटेल्स है जैसे नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, जो भी कन्विक्ट हुए हैं सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के अंदर। तो अगर कोई ऐसा केस आता है तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों से मैच करके जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ पे जो डेटाबेस है उसकी भी एक टाइमलाइन रखी गई है कि किसी का डेटाबेस कितने साल तक रहेगा उस रजिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो 15 साल तक के लिए रजिस्टर होगा उन लोगों का जो कि लो डेंजर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, 25 ईयर्स के लिए जो कि मॉडरेट डेंजर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो लोग जिन्होंने बहुत ही हीनियस क्राइम्स करे हैं, बहुत ही खतरनाक क्राइम्स करे हैं, उनका जो डेटाबेस है वो लाइफ टाइम के लिए रखा जाएगा। अभी 4.4 लाख लोगों के नाम इस डेटाबेस के अंदर हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से ऑफेंस होते जाएंगे ऐड करते जाएंगे। पर फाइनल चीज़ ये है कि इस तरीके की चीज़ें बनी हैं, ये मदद करनी चाहिए हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को जिससे जो टाइम पीरियड होता है किसी केस को सॉल्व करने का वो कम हो सके। तो इसी के नीचे आपको खबर मिलती है, नियरली 1 लाख विंग विजिटर्स अराइव एट बंगाल सेंचुरी। तो बंगाल की सेंचुरी है जिसका नाम है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वेस्ट बंगाल के उत्तर दिंजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। उसने अपने पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ बर्ड्स नोटिस करी हैं, वो है 98,532 बर्ड्स। यहाँ पे जो ओपन बिल्ड स्टॉक्स है वो बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है क्योंकि इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हैं इन नंबर इस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर। जो बर्ड्स हैं रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करती हैं जून के महीने में और नवंबर तक विजिटेशन होती रहती है और नवंबर तक रहती हैं क्योंकि बाकी जगह के मुकाबले इस सेंचुरी का जो टेम्परेचर है वो अंडर कंट्रोल रहता है और यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनका भी जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं वो आप देखोगे वो स्नेल्स खाती हैं, फिशेस खाती हैं, तो उन्हें वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा चाहिए और यहाँ पे उनको वो टेम्परेचर मिल जाता है, अच्छी तरीके से फूड अवेलेबिलिटी उनकी हो पाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 11 की तरफ। न्यूज़ वाला ये पेज है और यहाँ पे आपको खबर मिलती है, रिमूव पीएम्स फोटोज़,
फ्रॉम PMAY हाउसेज। तो यहाँ पे जो ग्वालियर बेंच है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, उसने ऑर्डर दिया है कि जो आपने फोटो लगाई हुई हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो घर बने हैं उनकी टाइल्स के ऊपर, उन फोटोज़ को जल्द से जल्द हटा दिया जाए और कोई भी फोटो नहीं लगेगी किसी भी घर की टाइल्स के ऊपर, ऐसा कहना है। और ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है, ओके, याद रखना इस तरीके का डिसीजन सामने आया है। इसी के साथ आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 12, वर्ल्ड वाला ये पेज है और यहाँ पे आपको पहली खबर मिलती है, मून किम विजिट सेक्रेड माउंटेन इन शो ऑफ यूनिटी। तो पिछले दो दिन से मैं आपके साथ डिस्कशन में ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है मून जे इन, वो नॉर्थ कोरिया की विजिट पर हैं और यहाँ पे नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन उनके साथ बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमने ये भी डिस्कशन में लिया कि डीन्यूक्लियराइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी अब आगे बढ़ेगा और यहाँ पे जितने भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं जैसे बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और उनके सामने यहाँ पे डीन्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस चालू किया जाएगा। सर, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में रेलवे लाइंस फिर से चालू हो सकती हैं, रोड कनेक्शन फिर से चालू हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये हम लोगों ने कल डिस्कशन ले लिया था और साथ ही नॉर्थ कोरिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक और मीटिंग आगे शेड्यूल हो सकती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके सामने एक पिक्चर आती है जहाँ पे नॉर्थ कोरियन लीडर और साउथ कोरियन लीडर अपनी अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं एक लेक के सामने और ये जो लेक है इसका नाम है हेवन लेक। ये लेक इंटरनेशनली भी इम्पोर्टेंस रखती है तो इसका नाम याद रखना, नाम है हेवन लेक जो कि माउंट पेक्टू पे पड़ती है इन नॉर्थ कोरिया। तो माउंट पेक्टू कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया में है और यहाँ पे पड़ती है हेवन लेक। ये 2744 मीटर की पीक है जिसको सारे के सारे कोरियंस बहुत ज़्यादा एज अ रिलीजियस मैनर में इसको मानते हैं और कहते हैं ये बर्थ प्लेस है डांगुंग की जो कि लीडर फाउंडर हैं ऑफ द फर्स्ट कोरियन किंगडम। ओके, तो जो फर्स्ट कोरियन किंगडम था उसके जो फाउंडर थे डांगुन, उनकी बर्थ प्लेस भी है ये पर्टिकुलर प्लेस माउंट पेक्टू जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर पड़ती है, याद रखना। इसी के नीचे एक और आपको खबर मिलती है, पाकिस्तान इनवाइट्स सऊदी अरेबिया टू बी थर्ड पार्टनर इन सीपैक। तो जो सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके लिए यहाँ पे पाकिस्तान ने इनवाइट किया है सऊदी अरेबिया को कि सऊदी अरेबिया थर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने इस पर्टिकुलर सीपैक वाले प्रोजेक्ट का। सीपैक प्रोजेक्ट $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है और याद रखना सीपैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, एक मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI इनिशिएटिव का, जो कि चाइना की मदद से यहाँ पे चल रहा है, चाइना लेड ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ में बारे में बात हो रही है कि हम लोग कह रहे हैं कि इस तरीके जो प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है वो एक तरीके का डेट ट्रैप है, एक न्यू कॉलोनियल इशू के रूप में हम लोगों के सामने आ रहा है, पर जिस तरीके से चाइना धीरे धीरे रिजेक्ट कर रहा है, चाइना कह रहा है ऐसा यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। साथ ही ये बोला गया है कि जो सीपैक है वो एम करता है कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है आसपास की कंट्री के बीच में वो बेहतर हो, जो एनर्जी प्रोजेक्ट हैं वो डेवलप किए जा सके, इसके अंदर एक डीप वाटर पोर्ट भी बनाया जा रहा है ग्वादर के आसपास, साथ ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाने की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगा, पाकिस्तान को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने लाने की कोशिश करेगा 2030 के अंदर। पर पूरी दुनिया को तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ नज़र आ ही रहा है कि एक डेट ट्रैप ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 13 की तरफ, बिजनेस वाला पेज है और यहाँ पे आपको एक न्यूज़ मिलती है, मर्ज्ड बैंक कुड सी राइज इन NPAs सेज इंडिया रेटिंग। तो इंडिया रेटिंग का ये कहना है अभी जो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का जो मर्जर हुआ है वो लॉन्ग टर्म में तो हमें एक एफिकेसी के रूप में नज़र आ सकता है, पर शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे वो एक फेलियर के रूप में ही नज़र आएगा, क्योंकि वो जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं चाहे वो NPA के हों या एसेट टू यहाँ पे टैक्स वाले रेशियो के हों, कुछ भी मीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहना है इंडिया रेटिंग का। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने ये भी बोला है कि जो मर्ज्ड एंटिटीज़ हैं वो रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देख सकती हैं, यहाँ पे फंडिंग कॉस्ट कम हो सकती है, आपस में जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा हो सकता है, पर ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म पर देखी जा रही हैं। अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म पर देखोगे तो यहाँ पर स्लिपेज वाला इशू सामने आएगा, मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनके जो फेलियर होने के चांसेज हैं वो हम लोगों के सामने आएंगे और यहाँ पर जो स्लिपेज
लीकेज होगा वो होगा रिकॉग्निशन इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो हार्मनी बनेगी तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके भी बढ़ने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए शायद ये जो पर्टिकुलर फैसला हो ये अच्छा ना हो, पर लॉन्ग टर्म में ये अच्छा फैसला दिखाई दे सकता है। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ, लाइफ वाला पेज, और यहाँ पे आपको पहली खबर मिलती है ऑल थिंग्स क्यूट। पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है, बेसिकली रग्बी वर्ल्ड कप 2019 होने वाला है टोक्यो जापान के अंदर, और उसके जो ऑफिशियल मैस्कॉट्स हैं उन्हें लॉन्च कर दिया गया है। मैस्कॉट्स की जो पिक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर है, रेन एंड जी ऑफिशियल मैस्कॉट्स हैं। याद रखना रग्बी वर्ल्ड कप 2019 होने वाला है टोक्यो जापान में। इसके साथ ही खबर मिलती है कार्बन टैक्सेस की इन क्लाइमेट फाइट। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि जो कार्बन एमिशंस वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, इन्हीं पर्टिकुलर तरीकों की मदद से हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है उनसे लड़ सकते हैं। ओके, इसी के नीचे एक और खबर मिलती है, हेल्पिंग विमेन गिव बर्थ इन अफगानिस्तान। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान में एक यहाँ पे बर्थ हुआ है एक बेबी का, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। बेसिकली इन्हें मेडिसिन सैंस फ्रॉन्टियर के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे ये एक एनजीओ है जिसका फ्रेंच ओरिजिन है, और इनको नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था 1999 के अंदर। ओके, बहुत सारी दुनिया में मदद करते हैं, अलग अलग अपने सेंटर्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं जहाँ पे अलग अलग जगह के डॉक्टर्स जाके प्रैक्टिस करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में बस यही खबरें थी, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना। उम्मीद है आपने शुरू में जो दो क्वेश्चन पूछे उनके भी आंसर कर दिए होंगे। अगर कोई पर्सनल आपको कोई क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मेरे को फेसबुक या टेलीग्राम या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, आज की वीडियो का एंड करते हैं, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।